ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स. प्रीवियस क्लासेस में हमने आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. हमने उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं. टुडे क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में होते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन विद मेटल्स. ओके, रिएक्शन विद मेटल्स. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं. इसकी डेफिनेशन होती है, स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. दस दीज बेसिस शुड नॉट बी कैप्ट इन मेटल कंटेनर. क्योंकि बेसिस जो है वो जल्दी जल्दी से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसी वजह से जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम मेटल्स के कंटेनर में नहीं रखते हैं. तो इसका पहले हम वर्ड इक्वेशन देख लेते हैं. वर्ड इक्वेशन क्या है इसकी, मेटल प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. यानी कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, प्रोडक्ट में सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा. ओके, इसका अब हम सिंबॉलिक रिएक्शन भी देख लेते हैं. Zn plus 2 NaOH gives Na2ZnO, ओके, सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस. यानी कि हमने ये देखा जिंक ने किसके साथ रिएक्ट करा, बेस के साथ. NaOH बेस होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा था. जिन भी फॉर्मूलेज में OH आता है, क्योंकि बेसिस में क्या होता है, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं, OH माइनस आयंस देता है बेस. तो इसमें क्या है, NaOH. ओके, तो ये क्या हो गया, बेसिक फॉर्मेशन बनेगा हमारा. H2 हम पहले ही अलग कर देंगे. हमारे पास क्या बचेगा, Na2 एंड ZnO2, यानी कि सॉरी ZnO2 सोडियम जिंकेट. ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ओके, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके आगे की रिएक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू क्लास 10th.